आज नए जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें, जब पहली बार ये समा सजा था तो मौसम का भी मिजाज बदल गया था। देखिए आज क्या होता है, आज का मौसम कौन सी अंगड़ाई लेता है। और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अंतराक्षी की इस ऑनलाइन महफिल में। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत मजा आ गया, अच्छा लगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज की महफिल थोड़ी और खास है, क्योंकि आज सिर्फ पुराने साथियों से नहीं मिलने वाले हैं हम, बल्कि आज परिवार का भी साथ है। कुछ नए चेहरों से हम मिलने वाले हैं, और इस समा को शुरुआत करने से पहले मैं उन नए चेहरों को आपसे परिचित कराना चाहती हूँ। जिस मेहमान को अब मैं आपसे परिचित कराने जा रही हूँ, उन मेहमानों के जब मैं सोचती हूँ तो मेरे ये दो लाइन है, एहसान दोनों का होता है उस मकान को घर बनाने, एहसान दोनों का होता है उस मकान को घर बनाने में, पर छत जता देता है और नींव दिल में छुपा लेती है। और जिसका मैं स्वागत करने वाली हूँ, परिवार की नींव है, वो मकान को घर बनाती है। वो पता नहीं कैसे हर बार बिना कहे हमारी नींव जान जाती है, रिश्तों के मोतियों को वो प्यार के धागे में समेट के रखती है। और सौभाग्य है हमारा कि आज उस नींव को इस महफिल में शामिल करने का और उसका सम्मान करने का सौभाग्य मुझे मिला है। सो आई रियली रियली वॉन्ट टू वेलकम ऑल द प्राउड होम मेकर ऑफ आर फैमिलीज, एंड आई विल इंट्रोड्यूस देम। वी हैव विद अस मिसेस पायल खरे जी, मैम वी वेलकम यू। वी हैव मिसेस नीलम प्लाहा जी, मैम यू आर, आई वेलकम यू विद ऑल माय हार्ट। ऑल्सो वी हैव मिसेस सीमा मोंगिया जी, मैम यू आर वेलकम एंड वी आर ऑनर्ड। एंड वी हैव राखी मलिक मैम जी, मैम विद डीप ग्रेटिट्यूड फ्रॉम माय हार्ट मैं आप सभी प्राउड होम मेकर्स का स्वागत करती हूँ इस महफिल में, और आशा करती हूँ कि आपके आने से ये महफिल आसमान के चांदों को भी अपनी झोली में समेट लेगी। इसी के साथ हमारे साथ एक और खास शख्स हैं, एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ये तो जमाने में बहुत बार सुना जाता है, पर वो चीज जो जमाना भूल जाता है वो ये होता है कि एक महिला को आगना में एक पुरुष का हाथ होता है। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही पुरुष हैं, एक ऐसे ही पति हैं, मिस्टर आजाद जी, जिन्होंने अपनी सच्चाई से, अपने विश्वास से, अपने प्रोत्साहन से अपनी पत्नी के कला को मंच दिया है, सम्मान दिया है, तो जिंदगी में उनके पैशन को दुनिया के सामने बांटने में सहयोग दिया है। तो मिस्टर आजाद सर, वी कॉर्डिनली शक्ल दिखाइए प्लीज, आजाद जी आप आइए फ्रेम में। नमस्कार गोला जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, आपके लिए तालियां। हर फ्रेम में रहिए, आउट ऑफ फ्रेम मत होइए। अच्छा फ्रेम में ही है, अच्छा ठीक है, वेलकम यू। साथ में हमारे साथ एक और खास शख्स हैं, बीना मैम की ही बात हुई है तो बीना मैम को पिछली बार हमने सुना और जिनको सुन के हम सभी कायल हो गए थे। और कहते हैं गुरु की पहचान उसकी शिष्य से होती है, और सौभाग्य है हमारा कि जिसकी शिष्य ऐसी हैं उनके गुरु का साक्षात्कार करने का हमें मौका मिला है। सो वी हैव बीना जी सर, एंड सर वी वेलकम यू। मतलब हमारा सौभाग्य ऐसा है कि आपका आशीष और आपका साथ है, संगीत की महफिल है और संगीत के गुरु हमारे साथ जुड़े हैं, इससे ज्यादा और हम क्या चाह सकते हैं। और परिचय का सिलसिला समाप्त में अपनी जिंदगी के एक शख्स का परिचय के साथ करना चाहूंगी कि आज मेरे साथ मेरे पापा भी जुड़े हैं, एंड आई फॉर्मली वॉन्ट टू लाइक introduce him to all of you। इनके बारे में बस इतना ही कि
भाषा का संस्कार इन्होंने दिया है, जिंदगी जीते कैसे हैं ये जीके सिखाया है, जो भी हूँ जहाँ भी हूँ इनकी वजह से हूँ, और चाहे कुछ भी बन जाऊं बस एक ही ख्वाहिश रखती हूँ कि इनका माथे पर आशीष हो और इनके दिल में बस एक नाज हो कि ये बेटी मेरी हो। सो माय एंड आई एम रियली ऑनर्ड, बहुत मेहनत करनी पड़ी इनको यहाँ तक लाने के लिए, लाइक एवरी फादर, बट आई एम वेरी ही इज हियर। सो परिचय की श्रृंखला समाप्त करती हूँ और मंच को मुसाफिरों के साथ छोड़ती हूँ। तो सर अंतराक्षी, हाँ, फॉर्मल वे में स्टार्ट करेंगे। बैठे बैठे क्या करे, बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। शुरू करते हैं लॉकडाउन में अंतराक्षी लेकर इंटरनेट देवता का नाम, लेकर देवता का नाम। सो वी आर वेलकम एंड अंतराक्षी, मंच इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, बट फॉर्मली वे बिगिन आई वुड रिक्वेस्ट राकेश सर कि आप एक बार, राजेश सर सॉरी, आप एक बार सर लॉजिस्टिकली समझा दीजिए कि कैसे वी नीड टू प्रोसीड सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड। नहीं, थैंक यू सो मच श्रुति, थैंक यू सो मच फॉर सच वंडरफुल इंट्रोडक्शन ऑफ एवरीवन, ऑल दोस हु हैव जॉइंड टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम। बाकी सब लोग तो हम एक दूसरे को जानते हैं। आई थिंक आई विल नॉट टेक मच टाइम, वी कैन स्टार्ट द अंताक्षरी स्ट्रेट अवे, बाकी जो छोटी मोटी चीजें होंगी हम बीच में देख लेंगे। सबसे पहले आई एम गोइंग टू इन्वाइट उषा कृष्णन मैम। नाउ शी इज, हर लैंग्वेज इज मलयालम एंड बट शी हैज वॉलंटरिली एग्रीड टू सिंग अ हिंदी सॉन्ग फॉर अस। लास्ट टाइम हमने मलयाली सॉन्ग सुना उनके, इस बार उन्होंने हिंदी सॉन्ग को खुद वॉलंटियर किया उन्होंने कि शी इज गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग फॉर अस। सो आई विल नॉट टेक मच टाइम, आई विल स्ट्रेट अवे रिक्वेस्ट उषा कृष्णन मैम टू प्लीज ग्रेस द ओकेजन विद हर हिंदी सॉन्ग। थैंक यू, thank you all of you for encouraging me this much. There will be definitely pronunciation mistakes, please maaf kar dijiye, but I want to sing a Hindi song for you all. Please. Shall I start? Sure. Kora kagaz tha ye man mera, लिख लिया नाम इस पे तेरा, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा, सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा, टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस्दिन सपनों में देखा डरता हूँ, टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस्दिन सपनों में देखो करता हूँ, नैना कजरा रे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, चैन गवाया मैंने निंदिया गवाही, सारी सारी रात जागू दू में दुहाई, चैन गवाया मैंने निंदिया गवाही, सारी सारी रात जागू दू में दुहाई, कहूँ क्या मैं आगे निहलागे किन लागे, कोई दुश्मन था ये मन मेरा, बन गया मीत जाके तेरा,
कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम किस पे तेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू सो मच। Actually, there will be slight interruption. कुछ I think we are going to we'll have to end it for once. तो इसीलिए अभी 3 मिनट जैसे हमारे पास बचे हैं. Actually, last time it was different. आज वो हो नहीं पाया. तो meet is going to end. तो I will request same password से आपको दोबारा join करना पड़ेगा. तो I am going to end the meeting here and then we'll recommence the Antakshari. लेकिन इस बार आपको अभी end करके सेम आईडी से सेम पासवर्ड से एक बार प्लीज दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सो आई एम जस्ट गोइंग टू एंड द मीटिंग, प्लीज रीजॉइन इमीडिएटली, यू कैन रीजॉइन।